अभी को मेरा जय जिनेन्द्र। मेरा नाम है यशवी मेहता और मेरी उम्र है 12 साल। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे हमें पता चलता है कि क्रोध का परिणाम कैसा होता है। तो आइए मेरे साथ, आज मैं आपको चंडकौशिक सर्प की कहानी सुनाने वाली हूँ। आप जानते हो चंडकौशिक सर्प का नाम चंडकौशिक क्यों पड़ा? क्योंकि वो बहुत क्रोधित होता था। एक बार एक जंगल था और उसमें चंडकौशिक सर्प रहता था और दृष्टिवीर सांप था। उस जंगल में जाने से पहले सब लोग हजार बार सोचते थे, क्योंकि उस जंगल में अगर गए तो कभी कोई लौटता नहीं था। क्योंकि जब चंडकौशिक सर्प सूर्य को देख के उस मानव की तरफ देखता था तो वह राग में बन जाता था। चंडकौशिक सर्प सभी को मारता था, चाहे वो निर्दोष हो या दोषित। एक दिन भगवान महावीर स्वामी उस जंगल में आए। गांव वाले के बहुत मना करने पे भी भगवान महावीर स्वामी आए थे, क्योंकि उन्हें तो किसी का भी भय नहीं था। जब भगवान महावीर स्वामी आए तब चंडकौशिक को पता ही चल गया था कि कोई मानव आ रहा है। जैसे ही महावीर स्वामी एक वृक्ष के नीचे आके खड़े हो गए तब चंडकौशिक सर को बहुत बुरा लगा। उसका बहुत गुस्सा आया कि ऐसा मेरा अपमान, कोई मुझसे डर क्यों नहीं रहा है। फिर चंडकौशिक सर्प ने भगवान महावीर के पैर में डसा। आप अक्सर ही देखते होंगे, अगर किसी को डसा होता है तो उसके खून निकलता है, पर भगवान महावीर स्वामी तो अलग ही थे, उनके पैर में से दूध निकल आया। चंडकौशिक सर्प सोचने लगा, ऐसा इतना महापुरुष, बाप रे, मैंने तो बहुत अनाथ कर लिया, मुझसे बहुत गलती हो गई। फिर उसने भगवान महावीर से क्षमा मांगी। भगवान महावीर ने कहा, पुच्छ पुच्छ चंडकौशिक पुच्छ पुच्छ। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांत हो जा चंडकौशिक, शांत हो जा। फिर चंडकौशिक सर्प ने सोचा कि मैं इतना क्रोधित क्यों होता हूँ, क्या मैंने कोई कर्म बांधे है? फिर वो उसने मन ही मन सोचने लगा और बहुत गहरा चला गया। फिर उसको ज्ञाति स्मरण ज्ञान हो गया। ज्ञाति स्मरण ज्ञान मतलब पूर्व जन्म का याद आना। उसको याद आया कि पहले जन्म में वह एक साधु था। फिर एक दिन वो साधु और बाल मुनि गोची लेके आ रहे थे। एक बार चंडकौशिक सर मतलब जब उनके साधु थे तब उनके पैर के नीचे मेंढक आके कुचल गया। बाल मुनि ने कहा कि साहेब, आपके नीचे मेंढक कुचल गया। उसी टाइम साधु को बहुत गुस्सा आया। उन्हें कहा, मैं बड़ा हूँ तुझसे या तू बड़ा है मुझसे? थोड़ी ही देर में बाल मुनि बार बार उन्हें उनके पाप के बताने लगे। उस टाइम तो अभी प्रतिक्रमण के बाद तो साधु को बहुत गुस्सा आया। वह थे बाल मुनि के पीछे ओगा लेके भागने लगे। वह सब जगह अंधेरा था क्योंकि रात्रि का समय था। आपको पता, दो जगह अंधेरा था, एक तो बाहर अंधेरा था और मन में अंधेरा था। मन में क्रोध का अंधेरा था और बाहर रात्रि का अंधेरा था। वह पीछे भागने लगे। थोड़ी देर में वह एक खंभे से टकरा गए और मर गए। फिर वह वापस जन्मे एक तापस के भाव में। वह अपने उनके पास एक बड़ा सा आश्रम था। अगर उस आश्रम के बगीचे में कोई भी आता था तो वह उसे मार देता था। एक दिन कुछ बच्चे आए थे वहाँ पर फल तोड़ने। जैसे तापस ने देखा तो उसको क्रोध आया। वह उसके पीछे कुल्हाड़ी लेके भागने लगे। बच्चे डर के मारे तो भाग गए, पर वापस तापस एक गड्ढे में गिर गया और फिर उसकी कुल्हाड़ी से उसने अपना सिर काट लिया। और अभी वह चंडकौशिक स्वर्ग के रूप में जन्मे। उन्हें सब याद आता है, वो बहुत पश्चाताप करते हैं। फिर वह भगवान महावीर स्वामी के प्रदक्षिणा देते हैं और अनशन लेके बैठ जाते हैं। जैसे ही सभी मनुष्य को पता चला कि चंडकौशिक सर्प शांत हो गया है, वह उनके ऊपर घी, दही और दूध डालने लगे। आप जानते ही होंगे कि जंगल में तो बहुत सारी जंगली चींटियाँ होती हैं, तो वह जंगली चींटियों ने चंडकौशिक सर्प को डंक मारा, उनके शरीर में आदन भेदन कर लिया। उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि अगर मैं हिलूंगा तो इन सब चींटियां मर जाएंगी, इसलिए उन्हें 15 दिन तक अनशन लेके बैठ गए। फिर वह मर गए और सिर्फ देव में पहुंचे। आपको पता है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए।
जैसा कि आपने देखा, चंडकौशिक सर ने क्रोध किया तो उसे ऐसे 3 भव करने पड़े, पर जैसे ही उसने क्षमा मांगा तो उसे सीधा देव का भव मिल गया। तो हमें कभी भी क्षमा करनी चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अगर परमात्मा की आज्ञा के बिना अगर मैंने कुछ विरुद्ध कर दिया हो तो मुझे क्षमा करना। सभी से मेरा मिच्छामि दुक्कड़म।